सो हेलो गाइस, लाइट नहीं आ रही यार। तो भैया बात है ऐसी, कमरे में तो लाइट प्रॉपर नहीं थी तो मैं छत पे आ गया हूँ, नेचुरल लाइट है। तो थोड़ा आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जो बैकग्राउंड की आवाज़ आएंगी उसे थोड़ा इग्नोर कर देना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है टेल लाइट इंस्टॉलेशन पे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाड़ी का जब मैंने स्टॉक फेंडर निकाला तो उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टूल्स नहीं थे। तो मैं बाहर मैकेनिक के पास जाके उससे टूल लेके तब मैंने उसे खोला था, पर वो बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये होल दिख रहा है यहाँ से जो नट है उसको निकालना है और ये सीट यहाँ से बाहर आ जाएगी। फिर आपको ये दो क्लैंप पे जो फ्लैशर लगा हुआ है एक और एक और लगा हुआ है, इन दोनों को निकाल लेना है। अभी तक तो मैंने वीडियो में दिखा दिया कैसे ऊपर से खोलना है उसकी जो बैक वाली सीट, उसे कैसे खोलना है और जो पीछे का पार्ट है जो प्लास्टिक का पार्ट है उसे कैसे खोलना है, बहुत सिंपल है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये गाड़ी का फेंडर है, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर से ऐसा है, नीचे से आपको ऐसा मिलेगा और इसमें आपको एक ये देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे इसमें दो लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसको सिंपल क्या करना है, ये ऊपर की तरफ रहेगा ऐसे, ये इसमें जो नट्स हैं ये ऊपर से आप स्पैनर वगैरह से इनको खोल लोगे, ऐसे करके इन्हें खोल लेना है तो ये नीचे से ऐसे करके निकल जाएगा। ऐसे दो निकलेंगे क्योंकि इसमें यहाँ दो लगे हुए हैं ऐसे करके, तो ऐसे जो ये पार्ट है ये निकल जाएगा। तो ये मेरे पास एक ही है क्योंकि दूसरा मैंने ऑलरेडी गाड़ी में लगाया हुआ है। जो इसकी पोजीशन रहती है एक्चुअल वो ऐसे लगी रहती है, यानी कि ऐसे लगी रहती है, पर हम इसे ऐसे करके लगा देंगे जो हमारी टेल्ट आई डी उसके साथ। तो बहुत ही सिंपल है, आप इजीली लगा सकते हो। ऊपर सिंपली सीट खोलनी है, उसके बाद ये आपको चार स्क्रूज खोलने हैं तो नीचे से फेंडर निकल जाएगा। तो बस इतना सिंपल ही था ये टेल को खोलना, मुझे नहीं लगता ज़्यादा मुश्किल है इसलिए कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। और जो इनके इंडिकेटर्स की और टेल लाइट की जो वायर है उसको भी आप वहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा वीडियो में कैसे डिस्कनेक्ट करना है। तो टेल टाइडी का जो क्लैंप है वो ऑलरेडी मैं गाड़ी पे लगा चुका हूँ और ऊपर से मैंने गाड़ी पूरी पैक कर दी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक क्लैंप है वो मैंने यहाँ लगा रखा है क्योंकि दो क्लैंप की कोई ज़रूरत नहीं है। और विदाउट टेल टाइडी गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। तो फिलहाल मैंने यहाँ टेपिंग कर दी है जिससे जो कीचड़ उछलेगा वो अंदर ECU तक या जो वायरिंग है उस तक ना जाए। तो लगने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। ये रही इसकी स्टॉक टेल, फिलहाल इसको मैंने निकाल दिया है। और ये हैं इंडिकेटर्स की इसकी तार और ये नंबर प्लेट लाइट की, तो इसको तो मैं बाद में लगाऊंगा। फिलहाल क्या करना है, इसमें से ये नंबर प्लेट निकाल के मुझे इस टेल टाइट में फिक्स करनी है। और ये इसके नट्स हैं। तो जो मैंने टेल टाइडी मंगाई थी वो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी और मुझे लगभग पड़ी 300 रुपये की। तो पहले तो मुझे लगा था बहुत बेकार क्वालिटी की होगी, पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एल्युमिनियम फिनिश की है और काफ़ी लाइट वेट है, तो वैसे ज़्यादा इतना वेट भी नहीं है, पीछे सिर्फ नंबर प्लेट है और इंडिकेटर्स ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल आप ये ले लेना, मैं जो इसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऐसे करके। तो फ़िलहाल ये मैंने फ़िक्स कर दिया है यहाँ पर ये नट्स लगा के, तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है। थोड़ी ये नीचे से एक्सटेंडेड इसे काटना ही पड़ेगा। अगर आप इसको फोल्डेबल बनाना चाहते हैं तो इसे ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा ऐसा लुक आएगा। अभी इसमें इन वाले होल्स में भी इंडिकेटर्स लग जाएंगे। तो ये जो क्लैंप था इसे मैंने कट करके नीचे से निकाल दिया है क्योंकि एक्स्ट्रा दिख रहा था। अब कटने के बाद कुछ ऐसी लुक आएगी गाड़ी में, अब जस्ट इसे यहाँ से लगाना है एंड डेट्स इट। तो इस वीडियो में सिर्फ टेल्ट आईडी लगाने वाला हूँ बिकॉज जो इंडिकेटर्स हैं वो भी मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, अभी तक आए नहीं है, और स्टॉक इंडिकेटर्स तो मैं नहीं लगाने वाला हूँ। तो DRL वाले इंडिकेटर्स हैं, जैसे ही वो आ जाते हैं तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन करना है और टिल्ट आईडी में इंडिकेटर्स कैसे लगाना है। तो यहाँ आई बटन में लिंक डाल दूंगा या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके नेक्स्ट वीडियोस की देख सकते हैं, वो मैं इंडिकेटर इंस्टॉलेशन की रखने वाला हूँ। और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो जो लाल बटन दिख रहा है उसे ग्रे कर दो, क्योंकि आगे बहुत सारी इंस्टॉलेशन की वीडियो और ट्रैवल वीडियोस और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे मैं भी आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड होता रहूं। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन राइड सेफ, बाय। ये शॉट लेने के लिए 10 बार ऊपर आ गया मैं छत पे।